अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के न्यू ब्लॉग। माशाल्लाह से सुबह का वक्त है, मैं अभी ऊपर आया हूँ ना, ये देखें सारे मेरे एक्सपीरियंस आ गए हैं, सारे के सारे। वो बैठाना है उनके पास नहीं है ना, वो टालना। ये देखें, ये भी बेहतर है, कल बहुत सुस्त था लेकिन माशाल्लाह से ना अब बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और था जिसको मैंने कल दवाई पिलाई थी, ब्लैक कलर का, वो शायद वो वाला है, शुगर नहीं, ये नहीं है, दूसरा वो है बल्कि मेरे ख्याल से वो भी नहीं। एक और है जिसके ना दाना वगैरह निकला हुआ, पता नहीं नीचे नीचे होगा, अभी नज़र आते तो मैं आपको दिखाता हूँ। खैर बस अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, बाकी हमारे सारे चीज़ें ठीक है माशाल्लाह से। और इस वाली कबूतर ने ना अंडा दिया था कल, अब वो अंडे में ये इंक्यूबेट नहीं कर रही थी या बता रही थी, पता नहीं था, पहली बार है पता नहीं क्या बात है। तो वो मैंने अंडा उठा के ना दूसरे कबूतरी के नीचे रख दिया, क्योंकि उसने भी ना अंडा दिया दूसरी वाली कबूतरी। उम्मीद है ये वाला भी जल्द से जल्द दे देगा ये वाला पेयर। और ये शोर बहुत करते हैं, ये कुकटेल है ना, जब भी मैं सुबह के वक्त आता हूँ ना बहुत शोर करते हैं, बहुत शोर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी डव, ये भी घोंसले में बैठना तो शुरू कर दिया इसने। और उम्मीद है कि एक दो दिन में अंडा नहीं देगी, बल्कि अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह। वो देखें अगर नज़र आ रहा हो आपको पूरा, ये माशाल्लाह से हमारी घुमरी ने भी अंडा दे दिया, डब ने हमारी अंडा दे दिया। ये बजीर है, इनके भी लगानी है मैंने मटके, इंशाल्लाह ये भी अंडे देंगे इस वीकेंड में। इंशाल्लाह इन सब के लिए ना मैं घोंसला अच्छा सा लगा दूँगा। और ये हमारी सिंचीर और ये वाली डब है ना, उम्मीद है ये भी ना अंडे वगैरह देंगी, बस मेरी लापरवाही है कि मैंने अभी तक इन्हें लगा के नहीं दिया घोंसला वगैरह या कुछ भी। तो इंशाल्लाह वो लगा के दूंगा मैं इन्हें आज ही या कल, तो उम्मीद है ये भी अंडे वगैरह दे देंगे। बस ये इसने अंडा नहीं दिया अभी तक, हालांकि इसको सबसे पहले अंडा देना चाहिए था। इसके बजाय हर किसी ने तक समझ लें कि हमारी वाइट वाली डब ने भी दे दिया, और ये जो यहाँ ये पेयर होता है इसने भी दे दिया। देखें इसके नीचे है, अब मैंने उस वाली कबूतरी का अंडा भी ना इसके नीचे रख दिया, अभी बैठी हुई है, लेकिन कोई नहीं, उनकी वेट करने देते हैं हम इसको। अच्छा है, बाकी मैं सबको सुबह का दाना डाल देता हूँ इंशाल्लाह, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन हमारे जो ये यूनिफॉर्म के बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये क्या तीन दिख रहे हैं अभी भी मुझे, बल्कि चार है, एक वो बैठा हुआ, चलो माशाल्लाह चार है। मैं इनको ना दाना डाल के इंशाल्लाह फिर आप लोगों को दिखाता दोस्तों। माशाल्लाह से हमने सुबह का तो दाना इनको डाल दिया है, इधर मुझे देर हो रही थी, एक काम जाना था, फिर मैं वहाँ चला गया था, तो मैं बाकी वीडियो बना नहीं सका। अब खैर शाम का वक्त है तो मैं आ गया हूँ। ये देखें, मैं आपको खोल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन देखें आपको दिख रहा होगा शायद, बल्कि एक बैठी और एक वो रहा इनका अंडा ना माशाल्लाह से। तो इंक्यूबेट भी सही से कर रही थी, खैर अब इस वक्त नहीं कर रही, लेकिन ये बैठ जाएगी फिर से। और ये हमारे बजीर माशाल्लाह से एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, एक ही लाइन में बैठे हैं। और ये हमारे कॉकटेल भी माशाल्लाह से, और ये जो हमारे चूते हैं ना ये भी बड़े फिट हैं। मैं अभी कूलर चला देता हूँ, तो मैं वीडियो बनाऊँ ना जब, तो कूलर का ना शोर आते हैं, इसलिए ना मैंने कूलर बंद कर दिया। खैर अभी हमारी मादी जो है ना ये उठ गई है अंडे वो पैसे ना, वह जो ये वाली कबूतरी है इसने कल अंडा दिया था, जो कि ये कबूतरी अंडे पे बैठी नहीं है। फिर मैंने दिन में यहीं रखे रहने दिया, मैं कहा शायद बैठ जाए बैठ जाए, लेकिन बैठी नहीं। फिर मैंने ना अंडा उठा के, तो हमारी दूसरी जो हमारी ये वाली कबूतरी है ना इसके नीचे रख दिया था, क्योंकि इसने ना रात को अंडा दिया था। और जब रात को अंडा दिया ना मैंने देख लिया, फिर मैंने रात को वो वाला अंडा उठा के उस वाली कबूतरी का इस वाली कबूतरी के नीचे रख दिया। अब खैर कबूतर बैठा हुआ, ये वाली वाली जो बैठ
बस इस वाले पेयर ने अभी तक अंडा नहीं दिया, ये भी पेयर अंडा दे देना हमारा, तो हमारा काम सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह रूम देखें कितना गंदा हो रहा है, रूम भी साफ़ करना है इंशाल्लाह, रूम को भी जल्द से जल्द साफ़ करेंगे। कल बल्कि संडे है तो कल हर हाल में साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये आपको एक दिन लेट मिल गया ना वीडियो, तो फिर संडे वाले दिन इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी और आपको मैं दिखाऊंगा भी वो सफाई करते हुए। पिछली बार तो इतना नहीं है दिखाया, इस बार कोशिश करूँगा मैं प्रॉपर दिखाऊँ माशाल्लाह से ना। अब मैं शाम का वैसे दाना डाल देता हूँ, ये दाना बड़ा वेस्ट करते हैं ना मैंने, और इनको दाना डालना बहुत कम कर दिया मैं। अब जो पहला इन्होंने दाना वेस्ट किया ना, मैं कहता हूँ पहले वो खाओ फिर मैं नया दाना डालूँगा, इस वजह से मैं सुबह का सिर्फ दाना डाला मैं शाम को दाना नहीं डाला। अब से अभी पानी में डाल देता हूँ दाना, अभी भी यही खाएंगे, देखें अभी भी खा रहे हैं फिर भी इन्हें जैसे जैसे भूख लग रही, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने दाना डाल देता हूँ। खैर बस बाकी इन सबको मैं पानी वगैरह डाल दूँ, क्योंकि ना गर्मी है ना तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए उनको बिल्कुल भी। बस ये इन सब को पानी तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है, और इसके पास तो है ही नहीं, इन्होंने गिरा दिया। चलें मैं इंशाल्लाह पानी और दाना वगैरह इनको डाल के फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैंने शाम को डाल दिया इन सबको, ये अब खाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। हालांकि नीचे इतना सारा दाना पड़ा हुआ जो इन्होंने वेस्ट किया वो नहीं खाते, जो मैं नया नया डालता हूँ कैसे टूट पड़ते हैं। खैर इन्हें वो भी खाना चाहिए, अब तो मैंने थोड़ा कम कर दिया इन्हें शाम के वक्त का, थोड़ा डालता हूँ सुबह मैं सही डाल दूँगा, क्योंकि वेस्ट करें तो शाम को खाएँगे। माशाल्लाह हमने अपनी डफ को भी डाल दिया, डफ को और फिंचिस को भी डाल दिया, ये बिना भी खाने शुरू कर दिए थे इन्होंने, इनका भी मैंने लाजमी लगाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तार तो ले आऊँ बांधने के लिए, बस अब ना इनके लिए जो वो है ना नेस्टिंग मटेरियल भी लिया था, बस इनका बॉक्स वगैरह लगाना रहेगा इंशाल्लाह, ये भी फिर ब्रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह सही से। ये भी उम्मीद अंडे देने वाली हैं, इनका भी करता हूँ मैं बल्लूगा, बस माशाल्लाह से इन्होंने तो दे दिए, तो दिखा दिया मैंने आपको। मोर की हरकत है, देखें मोर की, इनको जो मैंने दाना डाला है ना वहाँ पे नहीं खा रहे, ये कबूतरों का नीचे दाना गिरते हैं ना ये खाते रहे, ये नहीं कि भाई थोड़ा वहाँ से खा लो, नहीं ऐसे नहीं करते। बाकी ये हमारा ये लक्का का पेड़ बिल्कुल सूख जा रहा है, सबसे कम जो दाना वेस्ट करते हैं ना वो ये लोग करते हैं, इनका दाना देखें ट्रेन में बहुत कम गिरा हुआ बाद नीचे वाले, इनको तो आधे से ज़्यादा दाना वेस्ट होता है, इनका भी तो चलो फिर भी कम है लेकिन इनका दाना बहुत वेस्ट होता है, इनका भी और उनका भी, इन दोनों का दाना बहुत वेस्ट होता है, बाकी माशा फिट है। ये देखें माशा से हमारा कॉकटेल, चले दोस्तों अब मैं इन्हें दाना खाने देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह इनको आज रोटी भी देनी है तो मैं आपको दिखाऊँगा रोटी देते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से दोस्तों हमारी डफ बिल्कुल आराम से बैठी है, हमारे मोर के बच्चे भी आराम से उसके साथ बैठे हैं, कोई वो है ही नहीं, उसे डर ही नहीं है। मुझे लगा था कि ना ये जो हमारी डफ है ना वाइट वाली, यानी कि जो खुमरी है ना हमारी, तो ये मार रहा था, मार रहा है क्या, ये इतना कुछ नहीं मारते, बस समझ लेंगे समझे खेलते हैं आपस में। मुझे लगा था ये ना बिल्कुल नीचे आएंगी नहीं, वाइट वाली जो डब है ना हमारी ऊपर ही जैसे ये बैठी है ना, ये भी खैर नीचे आ जाती है जब दिल करता है जब ऊपर जाके बैठ जाती है, वरना ये माशाल्लाह से आराम से इधर उधर आराम से, यानी कि नीचे खड़े हुए नीचे आके आराम से दाना पानी भी कर लेती हैं, पानी भी पी लेती हैं, दाना भी खा लेती हैं, और ना आराम से बिल्कुल रिलैक्स वाला सीन है। वरना मैंने इनका दाना वहाँ ऊपर रखा था फिर मैंने वहाँ पर रखा, लेकिन ये आराम से ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर भी बैठ रही थी और नीचे भी आ रही थी, तो फिर इस वजह से ना अब सुकून वाला सीन है। अभी शाम को जो मैंने आपको दिखाया था ना तो माशाल्लाह से ये कबूतर बैठा हुआ था अंडों के ऊपर, अब ये उठ गया, अब जो कबूतर ही है ना वो इंक्यूबेट कर रही थी अंडों को, वो देखें वो अंडे पड़े हैं दोनों, वो देखें अभी सही से नहीं कर रही है इंक्यूबेट, क्या होता है इसका पहली बार ही तो नहीं हो, ये तो मुझे नहीं पता खैर, लेकिन मेरी पास तो पहली बार ही है, अलग अगर ये सही से इंक्यूबेट कर ले और इसको अपना भी अपने भी बच्चे निकलें जब ये दूसरा अंडा दे, और ये जो मैंने दूसरी कबूतरी का रखा लगा वो भी बैठ गया दूसरे अंडे पे, तो फिर मैं वापस से वो अंडा उठा के ना उसके नीचे रख दूँ, जो हमारी ये वाली है ना
ये वाली कबूतरी तो ये अंडा नहीं दे रही, पता नहीं इसकी जगह का मसला है या इसका अंदरूनी कोई मामला है, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि इसने दूसरी नंबर पे मुझे था कि ये अंडा दे देंगे, जब हमारी वो इन वाले ने अंडा दिया था ना, ये जो हमारे इधर है, जब इन्होंने अंडा दिया था तो मुझे लगा था इसके बाद अब वही अंडा देंगे, लेकिन उन्होंने अंडा ही नहीं दिया। शायद अब ये इसने दिया था कल सुबह अंडा इस कबूतरी ने, अब उम्मीद है कि ना ये यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग में इसने अंडा दिया था, उम्मीद है अब ये ना सैटरडे, आज वैसे सैटरडे है, संडे की मॉर्निंग में या मंडे की मॉर्निंग में या संडे नाइट, ये उम्मीद है शायद दूसरा अंडा भी दे दे, तो अगर दे देती है तो बेस्ट हो जाएगा, और अल्लाह करे उसको अंडा दे के उस पर बैठ जाइए ना हो उसको लावारी छोड़ दे, अगर लावारी छोड़ देगी फिर काम ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारा ग्रे वाला पफ माशाल्लाह से ये बिल्कुल फिट है, और ये हमारी ये मुर्गी है माशाल्लाह से, है देसी यानी कि गोल्डन जो होती है, लेकिन इससे ये है फुल वाइट। ये देखिए हमारी डब, मैं बैठा हूँ आराम से, उड़ भी नहीं रही, अब हमारे मोर के बच्चे बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, वाइट वाला जो मोर मोरनी के बच्चे हैं ना वो उतर के इधर आ गए नीचे, ये रहा ये पानी पे। ये देखिए हमारी माशाल्लाह से डब, चाइना डब, खैर ये अब उड़ती तो हैं जब मैं इनके पास आता हूँ लेकिन कम उड़ती हैं, और वो देखें वो हमारी एक चाइना डब वहाँ बैठी है, क्लियर नहीं हो रहा क्या बात है, क्लियर नहीं हो रहा वहाँ पे, ये हाबू है वो देखिए माशाल्लाह से। ये हमारी फिंची और इनका भी इंशाल्लाह मैं वो लगा दूँगा घोंसला, ताकि ना ये आराम से, उम्मीद है ये भी अंडे वगैरह देंगी। बाकी अब अगली बारी है इन लोगों के अंडे देने की, इनकी है और इनका बजीज का लगा दूँगा, तो ये तो देते ही हैं सदा बाहर, अगर यहाँ का टेम्परेचर सही हो ना तो ये तो देते ही रहते हैं। बाकी माशाल्लाह से हमारे ये छोड़ के आ गए यहाँ पे, ये वो नीचे वाली थी ना मोर के उधर, जैसे वाइट मोर ऊपर चढ़ा है ना इसके पास गया होगा, इस वैसे ओढ़ के वापस चली। खैर हम यहीं आज का अपना भी लोग ख़त्म करते हैं, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा, हम अपने अगले भी लोग मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।